हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एसएलपीटी में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है, है ना फ्रेंड्स। आज बहुत गर्मी है, चलिए कह कीजिए गर्मी है तो फिर भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का अन्य विषयों से संबंध। इतिहास का अन्य विषयों से कैसे संबंध है, ठीक है। रिलेशन ऑफ हिस्ट्री टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतिहास का जो है, देखिए कुछ प्रमुख विषयों का मैंने लिया है ना, उन विषयों से देखिएगा कैसे कनेक्ट होता है। इतिहास से ही ये सारा विषय बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इतिहास से ही सारा विषय है ना बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्लास लिया था, उस क्लास में मैंने बताया था हिस्ट्री इज द मदर ऑफ आवर सब्जेक्ट, इतिहास सभी विषयों की जननी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इतिहास है सारे विषयों का है ना निर्माण हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम लोग कनेक्ट करके करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना, तो ये बहुत क्या है यूजफुल है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, फिर कैसे संबंध है ना इतिहास से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं इतिहास को हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। ये हो गया, ये से कैसे संबंध है। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, क्लियर। तो राजनीतिक शास्त्र से कैसे है ना कैसे समझ में, देखिए तो इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट के बारे में बताई जाती है, सरकार के बारे में, राजा किंग के बारे में, है ना, और साम्राज्य जो होता है, एम्पायर जो थे, है ना, उसके बारे में बताया जाता है। तो बहुत सारा चीज़ों को देखिएगा उसमें जो है, एक राजपाट कैसे होती है, और उसके अंदर में देखिएगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेट, सोल्जर, सैनिक हो गया, गुप्तचर हो गया, है ना, जिसको शायद एजेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है, तो वहाँ पर देखिएगा राजनीति करने का तौर तरीका हमें कहाँ मिलती है, एक इतिहास से ही मिलती है। तो कोई भी वंश उठा लीजिएगा, है ना, डायनेस्टी उठा लीजिए, एक जैसे गुप्त वंश ले लीजिए, हर्षवर्धन वंश, मौर्य वंश ले लीजिए, तो वहाँ से देखिए हमें राजनीति करने का तौर तरीका हमको बताया गया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शास्त्र जब लिखा गया है तो कहीं ना कहीं इतिहास है ना, इतिहास कहीं देना है, तो आज इसी का है ना, इसी से निर्माण इसका हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने है ना, दूसरा है हम लोग का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, साहित्य है, लिटरेचर। अब लिटरेचर जो है हिंदी भाषा भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, कन्नड़, मलयालम, हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे भाषाओं का साहित्य। तो ऐसा माना जाता है कि साहित्य में जितने भी मेन मेन विषय वस्तु लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इतिहास से ही लिया गया। हम लोग बहुत सारे साहित्य पढ़े होंगे, स्टोरी या पोयम के रूप, कविता या कहानी के रूप में हम लोग पढ़े होंगे, तो बहुत सारा चीज़ देखिएगा कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास से ही पढ़ते हैं। एक आप लोग चंद्रगुप्त नाटक का बारे में पढ़े होंगे, है ना, स्कंदगुप्त हो गया, एक साथ ध्रुवस्वामी करके था, है ना, उस समय मतलब तो कहीं ना कहीं साहित्य से ही हम लोग इसे पढ़े हुए हैं। बहुत सारा चीज़ देखिएगा जो है, बहुत सारी घटना इतिहास से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुई रहती है। तो आज जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब साहित्य जो पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वहीं से आया है, कहाँ से, साहित्य से ही आया है कि नहीं। एक आप लोग शायद इंग्लिश में पढ़े होंगे इंटर में, हम लोग इंडिगो हम लोग पढ़े थे, उसमें देखिएगा चंपारण नील की खेती के बारे में बताया गया था। तो ये कहाँ से आया, यहीं तो आया ना, तो साहित्य का सृजन हुआ तो यहीं से नहीं हुआ ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य का इससे भी संबंध है, ठीक, मतलब इतिहास का जो है साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है कौन, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी हो गया, रिलेटेड टू सोशोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिलेटेड टू सोशोलॉजी जो हो गया कैसे हुआ, तो देखिएगा आज हम लोग समाजशास्त्र कभी सुने हुए या पढ़े होंगे, तो इसके अंदर बिहवा आती है, मैरिज जिसको बोलते हैं। अब बिहवा के अंदर में और भी चले जाइए तो इसका टाइप्स होता है आपका, एक सिंगल मैरिज होता है, मल्टीपल मैरिज, बहुविवाह जिसको बोलते हैं, है ना, और एकल विवाह बोलते हैं। उसके बाद देखिए परिवार के बारे में बताया गया, परिवार क्या है, व्हाट इज फैमिली, तो है ना, उसमें देखिए मातृसत्तात्मक आती है और एक पितृसत्तात्मक आती है, एक मैट्रिकल और एक पैट्रिकल होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मतलब आई है, तो हम लोग समाज के बारे में आज हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इसके अंदर में, इस सब्जेक्ट के अंदर में ये सारे चीज़ घटना है, विवाह हो,
चाहे आपका समाज हो, समाज हो, चाहे परिवार हो, रीति रिवाज हो, भोजन हो, है ना, किसी भी तरह का जो है समाज से रिलेटेड जितने भी चीज घटना है वो यहीं से आई है। कहाँ से आई है? इतिहास से। इतिहास हम लोग अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी तो हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब हम लोग विवाह पढ़े थे, कहीं ना कहीं तो हम लोग भाषा का वहाँ पर जिक्र हुआ था, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर रहन सहन के स्तर पढ़ते थे, है ना, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर मातृसत्ता तो पितृसत्तात्मक उल्लेख होता था कि कहाँ पर पुरुषों को बल दिया गया, कहाँ पर महिलाओं पर, महिलाओं को ज़्यादा बल दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतिहास भी जो है समाज से कनेक्ट है। क्लियर हो गया? अब इतिहास का जो है हिस्ट्री इज रिलेटेड टू मैथ। अब देखिए गणित से भी संबंध है, आज हम लोग जो गणित पढ़ रहे हैं ना यहीं से लिया गया, इतिहास से। इतिहास हम लोग एक गुप्त वंश का ले लीजिए, आर्यभट्ट और अभी ऋषक, बहुत सारे वहाँ पर विद्वान आए उस समय में। तो देखिए गणित का उन्होंने अथी किया था, है ना, एक तो वहाँ पर देखिए दशमलव का आविष्कार हुआ था, ठीक है, किसी ने जीरो का आविष्कार किया था। तो गणित में देखिएगा समय होती है, एक रेखा ग्राफ, है ना, रेखा कैसे खींची जाती है, ग्राफ कैसे बनाई जाती है, सारा चीज़ यहीं से आया है, इतिहास से ही यहाँ पर आया। तो आज हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास का ही देन है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इतिहास पढ़नी चाहिए, है ना। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से संबंध है, ठीक है, इतिहास। तो कैसे संबंध है? तो इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो बताया जाता है ना कि किस तरह से लोग अर्थ लोग व्यवस्था करते थे पहले के लोग, है ना, अतीत के लोग किस तरह से अर्थ की व्यवस्था करते थे, व्यापार से करते थे, ट्रेड, कृषि से करते थे, एग्रीकल्चर, पशुपालन से करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, लगान भी होती थी, है ना, जिस तरह से देखिएगा जो है ये लोग क्या करते थे, अर्थ की व्यवस्था करते थे। आज आज के दौर में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, आज इकोनॉमिक्स के अंदर घुस के देखिए यही चीज़ हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं, एक लगान रेंट पढ़ते हैं अलग से, है ना, अर्थ का व्यवस्था कैसे की जाती है, धन धन संपत्ति जिसको बोलते हैं ये कैसे की जाती है, तो आज तो वही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आज इसके अंदर में जो लिया गया है टॉपिक छोटा, है ना, जो भी लिया गया हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अर्थशास्त्र में, वो कहीं ना कहीं इसी का देन है इतिहास का। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास का भी किसे संबंध है? अर्थशास्त्र भी संबंध है, अन्य विषय से भी संबंध है, अन्य विषय मैंने बता दिया बहुत सारा है, ठीक है। एक लास्ट सब्जेक्ट है भूगोल। अब भूगोल में कैसे संबंध है इतिहास? इतिहास से ही भूगोल कैसे आ गया, है ना। तो देखिए भूगोल में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? पूरे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में क्या करते हैं, कहीं पर कोई भूभाग हो गया, कोई भूखंड हो गया, है ना, उस सब के बारे में वर्णन करते हैं, कहीं पर मिट्टी के बारे में, कहीं पर खनिज के बारे में, सोयल, मिनरल, वाटर, है ना, एनवायरमेंट, है ना, पर्यावरण, ये सब जो है भूगोल में अनुवादन करते हैं। लेकिन क्या इतिहास में पहले अध्ययन नहीं होते थे? इतिहास में ही पहले एनवायरमेंट के बारे में चर्चा होते थे, इतिहास में भी पहले, है ना, सॉयल के बारे में, मिट्टी के बारे में चर्चा होती है, फर्टाइल सॉयल जो होता है, उपजाऊ मिट्टी, उसके बारे में भी मतलब बताया गया था, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती थी ना, तो इतिहास में जो पहले राजा लोग होते थे प्रजा पर, उसमें ज़्यादा टैक्स होता था, मतलब क्या करते थे, लगान देना पड़ता था, और जहाँ पर मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होती थी, है ना, तो वहाँ पर देखिए लगान कम देना पड़ता था। तो देखिए वहाँ पर भी चर्चा होती थी, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया, वहाँ इतिहास में भी चर्चा होती थी, है कि नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो चाहे वह खनिज हो, जल हो, मिट्टी हो, क्लाइमेट, जलवायु हो गया, इतिहास में भी मतलब जलवायु को बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा किया गया है, मौसम है, वेदर है, तो ये सारे चीज़ का जो है यहाँ पर अध्ययन, है ना, किया गया है। तो आज हम लोग क्या करते हैं? ज्योग्राफी में यही चीज़ तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इससे भी तो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो भूगोल जो आज सब्जेक्ट जो बना हुआ है कहाँ से आया? इतिहास से आया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है किस प्रकार से जो है इतिहास अन्य विषयों से संबंध है। तो इतना जो है विशेष थोड़ा सब्जेक्ट याद रख लीजिए और क्या क्या इसमें लिखना है, वीडियो को अगर ध्यान से पूर्वक से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना, कि इसके अंदर में क्या लिखना है, साहित्य के अंदर में क्या लिखना है, समाजशास्त्र के अंदर क्या लिखना है, गणित के अंदर में क्या लिखना है, अर्थशास्त्र के अंदर में क्या लिखना है, भूगोल के अंदर में, है ना, क्या लिखना है। तो इस तरह से अगर लिख दोगे तो इतना इस प्रश्न के लिए तो आंसर, है ना, इस प्रश्न का जो आंसर इतना सफिशियंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक बेहतर क्लास के साथ, है ना, मिलने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट बार। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।